हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगी ईयर बैरो ट्रॉमा के बारे में। ईयर मतलब कान और बैरो ट्रॉमा का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम हमें बैरो मतलब प्रेशर चेंजेस की वजह से कान में होती है उसे हम बोलते हैं ईयर बैरो ट्रॉमा। तो ये ईयर बैरो ट्रॉमा कब होता है? जब प्रेशर चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर है उनमें बदलाव आता है। जैसे कि अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर, जिसको हम बोलते हैं असेंट एंड डिसेंट, और दूसरा अगर आप हाई माउंटेन्स पे हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ईयर बैरो ट्रॉमा क्यों होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें कान के बारे में जानने की जरूरत है। हमारे कान के तीन भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो हमारा कान का पर्दा होता है और कान का कैनाल जो आप देख सकते हैं। मिडल ईयर जो होता है वो पर्दे के पीछे होता है, उसमें हवा होती है और हमारे कान की सुनाई की हड्डियां होती हैं। अब ये जो हमारा मिडल ईयर है यही रोल प्ले करता है बैरो ट्रॉमा में। इस मिडल ईयर में हवा होती है और वो हवा जरूरी होती है हमारे हियरिंग के लिए। इस ईयर में एक ट्यूब होती है जिसका नाम होता है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब का एक एंड मिडल ईयर में खुलता है और दूसरा हमारे नाक के पिछले हिस्से में, जिसको हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, वहां खुलता है। यूस्टेशियन ट्यूब का काम होता है कि हमारा मिडल ईयर का प्रेशर, बाहरी प्रेशर जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, उससे इक्वल बना के रखता है। दोनों प्रेशर को इक्वलाइज करके रखती है ये यूस्टेशियन ट्यूब। ऐसे में हमें बहुत अच्छे से सुनाई देता है। अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है किसी वजह से, जो कि नाक की प्रॉब्लम्स में होता है, जैसे कि एलर्जी या साइनस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इन परेशानियों में उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ऐसे में ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से कान में नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। जब कान में नेगेटिव प्रेशर होता है तो हमें एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, और अगर वो प्रेशर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए तो कान में पानी भी आ जाता है पर्दे के पीछे, जिसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। तो हमारा जो बैरोट्रॉमा का प्रॉब्लम है वो इसी यूस्टेशियन ट्यूब के ऊपर बेस्ड है। तो अब जानते हैं कि बैरोट्रॉमा से क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले होता है कान में डिस्कम्फर्ट, कान में आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। दूसरा है कान में भारीपन, जिसको हम ईयर फुलनेस बोलते हैं। थर्ड है कि कान में सुनाई में कमी आ सकती है थोड़े टाइम के लिए, जिसको हम डिक्रीज हियरिंग बोलते हैं। चौथा है कि थोड़ा सा चक्कर की फीलिंग लगती है, वर्टाइगो जैसी फीलिंग आती है, डिजीनेस लगती है। पांचवा है कि कान में दर्द होता है, और अगर बहुत सीवियर बैरोट्रॉमा होता है तो ऐसे में कान में बहुत सीवियर पेन होता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो जानते हैं कि कौन से एट रिस्क पेशेंट होते हैं इन बैरोट्रॉमा के लिए। क्योंकि बैरोट्रॉमा यूस्टेशियन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से होता है, तो जिन मरीजों को नाक की एलर्जीज हैं, जिनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, जो अगर एक्यूट आपको कोई कोल्ड हुआ है, एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे में भी यूस्टेशियन ट्यूब में सूजन आ जाती है। और चौथा का होते हैं एट रिस्क हमारे बच्चे, चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों में ये यूस्टेशियन ट्यूब बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती, इस वजह से वो अपना प्रेशर मेंटेन वाला फंक्शन उतने अच्छे से नहीं कर पाती। तो आपने देखा भी होगा कि जब असेंट या डिसेंट के टाइम बच्चे अक्सर रोते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनके कान में प्रेशर चेंजेस होते हैं जिससे उनको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो अब जानते हैं कि अगर हमें बैरोट्रॉमा से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें अपनी यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन बहुत अच्छा रखना चाहिए। इसके लिए अगर आपको कोई एलर्जीज हैं, अगर आपका साइनोसाइटिस है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
अगर आपको एक्यूट कोल्ड है तो अपना ट्रीटमेंट लेकर ही फ्लाइट में ट्रेवल कीजिए। एक्यूट कोल्ड में एलर्जीज और साइनोसाइटिस के पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए और उसी के बाद फ्लाइट में ट्रेवल करना चाहिए या फिर माउंटेन्स में हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना चाहिए। दूसरा है कि आप जब फ्लाइट असेंट या डिसेंट कर रही है तो आप च्युइंगम चबाएं। च्युइंगम चबाने से क्या होता है कि जब भी हम च्यू करते हैं तो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब खुलती है और अगर यूस्टेशियन ट्यूब खुलेगी तो वो प्रेशर मेंटेन कर पाएगी और कान में नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा और डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा। तीसरा है कि बच्चों के साथ अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उनके साथ उनको फीड करवाइए, उन्हें कुछ खिलाइए, या आप उनको टॉफी दे सकते हैं, या आप उनको चॉकलेट दे सकते हैं, या अगर बच्चे भी बड़े हैं तो वो भी च्युइंगम ले सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पस रहता है कि हम अपनी एलर्जीज, अपने नोज के इन्फेक्शंस को ट्रीट करें और अपने यूस्टेशियन ट्यूब को खोलने के लिए हम च्युइंगम या फिर कुछ फीडिंग कर सकते हैं। और अगर किसी को बैरोट्रॉमा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो ट्रीटमेंट ऑफ बैरोट्रॉमा में हम सबसे पहले जो भी नोज का इन्फेक्शन है उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं और अक्सर ये पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बैरोट्रॉमा के पेशेंट्स को ठीक होने में, इट मे टेक 2 वीक्स, लेकिन अगर किसी को एलर्जीज हैं या साइनस की प्रॉब्लम्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट होते ही आपके कान की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सीवियर केसेस में अगर कान में पानी भर जाता है जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर की वजह से होता है और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है, तो ऐसे में हमें कान के पर्दे में एक छोटा सा स्लिट देकर वो सारा जो पानी होता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं वो साफ करना होता है। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी साइनस की प्रॉब्लम बहुत परसिस्टेंट है और वो ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे में ग्रो में इंसर्शन भी किया जाता है। ये एक छोटा सा ट्यूब होता है जो हम उस स्लिट के थ्रू डाल देते हैं जिससे कि प्रेशर इक्वल मेंटेन रहे। थैंक यू।